नहीं, वो इसलिए कि इनका एतकाद नहीं है उन लोगों में, क्योंकि वो इमेज देते हैं मुल्ला उमर का। देखो आप, मुल्ला उमर को हमने खराब किया। मुल्ला उमर अफगानिस्तान में जो हुकूमत चला रहा था, आप मुल्ला उमर का एजुकेशन लेवल देखो, उसका बैकग्राउंड देखो, उसका एक्सपीरियंस देखो, तो उसका क्या एक्सपीरियंस है। फिर आज पाकिस्तान में हुकूमत चलाने के लिए डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर का पूरा निजाम है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, लोकल गवर्नमेंट्स हैं, थाने, कचहरियां, मवासलात का आली निजाम, फौज, पुलिस, हर किस्म का महकमा, हर चीज मौजूद है। अफगानिस्तान में क्या था? कुछ भी नहीं था। और वो जंग आज, अभी हुकूमत आई है ना, अभी तमाम लोग कह रहे हैं भाई हुकूमत को सेटल डाउन हो जाने दो, गिव देम टाइम, फिर ये इनसे डिलीवरी की तवक्को करो। तो तालिबान तो जंग में थे, उनके बारे में तो किसी ने नहीं कहा कि यार इनको सेटल डाउन हो जाने दो, गिव देम टाइम, देन वी विल सी। उनको तो किसी ने मौका फराहम नहीं किया। उसके बावजूद मुल्ला उमर की ये पर्सनल गारंटी थी कि आप अपने बीवी बच्चों को लेकर मेरे पूरे इलाके में गाड़ी लो, घूमो, जिधर रात पड़ती सड़क के किनारे सो जाओ, अगर आपको कोई हाथ भी लगाए तो मुझे कहना। और कोई नहीं लगाता था, ये मुझे उन लोगों ने बताया जो वहां फिरते थे, कोई नहीं हमको छूता था। क्यों? ये निजाम था उसका। उसने पूरे अफगानिस्तान जैसे मुल्क को हथियारों से पाक कर दिया था। सिर्फ तालिबान के पास हथियार थे, आवाम के पास नहीं थे। उसने कहा जिसके पास हथियार होंगे गला काट दूंगा, अपने हथियार जमा कराओ या तालिबान में शामिल हो जाओ अगर हथियार रखना, क्योंकि सिर्फ फौज के पास हथियार होंगे। वही उसकी फौज थी। अगर चार लोगों को कोड़े लगे और पूरे मुल्क में चोरी खत्म हो गई तो क्या यह बुरा हुआ? अगर चार लोग संसार किए गए और तमाम औरतों की इज्जत महफूज हो गई तो क्या यह बुरा था? आज आपके थानों में क्या हो रहा है? ये हुकूमत है, ये गुंडा एलिमेंट नहीं है, ये आपकी पुलिस है, वो औरतों के साथ क्या कर रही है, क्या सलूक हो रहा है? गांव गांव बड़े बड़े जो चौधरी साहबान है, वो उस इलाके की गरीब औरत की क्या इज्जत इस मुल्क में रह गई है? क्या हो रहा है? क्या ये बेहतर है या वो बेहतर था? हमसे तो एक, मेरा ख्याल आप 10 साल भी लगे रहे तो गुज्जर खान भी आपसे हथियारों से पाक नहीं हो सकता। पूरा मुल्क तो बड़ी दूर की बात है। कहने को हम तकरीबन नारा लगा देते हैं कि कराची को हथियारों से पाक कर देंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे ना एक इमेज बिल्डअप करने